हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक, सर्दी जुकाम खांसी इस सीज़न में, स्पेशली सर्दियों के सीज़न में क्यों आता है। एक बहुत छोटा सा कॉमन कॉज है, शायद आपको नहीं पता हो, और अगर आपको पता है तो इस वीडियो को स्किप कर देना। देखिए क्या होता है, ये जो सीज़न होता है इसमें वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्यों? देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है हीट। हीट यानी कि एक्सपोजर। जो आपको, जैसे मान लीजिए कि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस सीज़न में क्या होता है, धूप कम निकलती है, हीट कम मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायरसेस और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं और एटमोस्फेयर में बने रहते हैं। कई बार एटमोस्फेयर में भी बने रहते हैं, यानी कि जो हवा चल रही है उसमें भी वो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी बात क्या होता है कि इस सीज़न में स्पेशली किसी ने कुछ ठंडा खाया, भाई सर्दियों का सीज़न तो है, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी ने ठंडा खाया, गर्म खाया, या कुछ डाइट में थोड़ा सा चेंज किया, या डाइट थोड़ी सी अलग ले ली, या फिर डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ली, तो इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, लोग प्रॉपर तरीके से, हीट तो है ही ऑलरेडी, दूसरी बात हीट है, उसके साथ में पानी ज्यादा पीते हैं, क्योंकि भाई गर्मियां हैं, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है कि नहीं गर्मियों में पानी ज्यादा पीना है, पानी की कमी नहीं हो जाए, दस्त लग जाएंगे, कॉलेरा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि पानी ज्यादा पीते हैं, जिससे कि हमारा फंक्शन जो है बॉडी के, किडनी, सर्कुलेशन, सारे प्रॉब्लम जो फंक्शन है वो नॉर्मल चलते रहते हैं। इस सीजन में क्या होता है, पानी भी कम पी पाते हो, भैया सर्दियों का सीजन है, पानी प्यास कम लगती है हमको, जैसे सुबह पी लिया, फिर उसके बाद में 1 बजे पी लिया, उसके बाद में फिर शाम को पी लिया, सो गए। तो भैया इसमें ये सबसे मेन कॉज होता है कि डाइट का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते, पानी भी कम पी पाते हैं, सर्कुलेशन भी थोड़ा कम हो जाता है, और इसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक हो सकती है ऐसे कंडीशन में। तो आपको इम्यूनिटी वीक नहीं होने देना है, जूसेस वगैरह है, पानी ज़्यादा पीजिए, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए, और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, माउथ पर जो मास्क होते हैं उनको लगाकर चलिए, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन से आप बच सकते हैं। सर्दी जुकाम कॉमनली बच्चों में स्पेशली इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रो है, मैंने आपको पहले बताया कि जो बैक्टीरिया वायरल ग्रो करते हैं ना, वो इस सीज़न में ज़्यादा करते हैं ग्रो। कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, इस सीज़न में ग्रो करने की वजह से उनको एक एटमोस्फेयर मिल जाता है, उनको एक सर्वाइव के लिए एक ऐसा नेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो इस सीज़न में स्पेशली ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में स्पेशली देखने को मिलते हैं ऐसी कंडीशंस। और अभी तो इस सीज़न में चल रहा है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और हो सकता है कि आगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आगे और ज़्यादा चलें। पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, जैसे कि कई जगह पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, एयर प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे, शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से भी लंग्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। आप समझ गए होंगे कि इस सीज़न में ग्रो क्यों होता है, सर्दी जुकाम क्यों होता है, इम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखिए, एलर्जी भी है, पॉल्यूशन से एलर्जी भी होती है, एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, डस्ट है, पॉलेंस हैं, मिल्क है, अंडे हैं, मीट है, सब्जियाँ हैं, एंड ग्रेन्स हैं, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। इवन कई कई खाने पीने की चीज़ों से भी कई पेशेंट्स को एलर्जी होती है, लाल मिर्ची है, हरी मिर्ची, कई सारी चीज़ें हैं एलर्जी के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा एलर्जी से बचने का, जैसे कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, या फिर टेस्ट करवा लीजिए, एलर्जी के टेस्ट करवा लीजिए, मार्केट में बहुत टेस्ट आ रहे हैं, उनसे भी पता लगा सकते हैं किस चीज़ का आपको, किस चीज़ से स्पेशली एलर्जी है, तो वहाँ पर भी आप उस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए जिस चीज़ से आपको एलर्जी है। सो मैं टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।